दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे हमेशा ऐसा टेढ़ा क्यों बनाता है? या फिर क्या आपने कभी ऐसा जादुई पेड़ देखा है जिसमें से इस तरह बेतहाशा पानी बहता हो? अच्छा, क्या आप उस सुपर ह्यूमन के बारे में जानते हैं जो बिना आंखों के भी सब देख सकता है? नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे, क्योंकि रोचक ज्ञान और जानकारियों का ये ऐसा पिटारा है जो आपको भी कर देगा फैक्टिफाई। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ये है एक कमाल का जादुई पेड़ जिसके अंदर से फव्वारे की तरह पानी निकलता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी नल या फिर मोटर का कमाल है तो बता दूं कि आप गलत हैं। ये 100% नेचुरल है और ये पानी भी जमीन के नीचे स्थित स्प्रिंग से ही आ रहा है। दरअसल ये पुराना मलबेरी ट्री पानी के एक कुदरती स्प्रिंग के ठीक ऊपर स्थित है। और बारिश के पानी से जब अंडरग्राउंड स्प्रिंग पूरी तरह से भर जाता है तब इस पेड़ के खोखले तने के जरिए ये ऐसे बाहर निकलता है मानो कोई मोटर लगा रखी हो। वैज्ञानिकों की माने तो ये एक बहुत ही रेयर फिनोमिना है जो भारी बारिश के बाद ही देखा जा सकता है। बता दें कि ये नजारा है मॉन्टेनेग्रो के दिनोसा गांव का, और लोकल्स के मुताबिक ये पेड़ 100 से 150 साल पुराना है और वो ऐसा होते हुए पिछले 20-25 सालों से देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर आपने फैक्टिफाइड पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स कैसे काम करते हैं ये वीडियो देखी है तो गौर किया होगा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत का रनवे हमेशा तिरछा होता है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? अगर हाँ तो बता दें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन ऑब्जेक्टिव अपने फाइटर जेट्स को समंदर के बीचों बीच टेक ऑफ और लैंड करवाने की कैपेबिलिटी देना होता है, और इसके फ्लाइट डेक पर बना रनवे इसी काम आता है। दरअसल पहले के अर्ली लाइटवेट फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लैंडिंग के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती थी और उन्हें अरेस्टिंग केबल्स और ऐसे नेट्स की मदद से समंदर में गिरने से रोक लिया जाता था। लेकिन आगे चलकर हैवी फाइटर जेट्स के इंट्रोडक्शन के बाद ये सॉल्यूशंस और स्ट्रेट रनवेज की लेंथ नाकाफी साबित होने लगी। अब ये तो ऑब्वियस है कि एक एंगल्ड रनवे फ्लाइट डेक पर बने हुए सीधे रनवे से ज्यादा लंबा होगा, और इस तरह पायलट को टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के लिए ज्यादा डिस्टेंस मिल सकेगा। लेकिन इसके अलावा भी इन टेढ़े रनवेज ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर सेम टाइम पर लैंडिंग और टेक ऑफ भी पॉसिबल बना दिया। साथ ही डेक पर सभी फाइटर प्लेन्स इस रनवे की दोनों तरफ सेफली स्टेशन किए जा सकते थे। दोस्तों, इस आइडिया को सबसे पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक ऑफिसर कैप्टन DRF कैंपबेल ने प्रपोज किया था, और इसे सबसे पहले रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ट्रायंफ पर ट्राई किया गया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, यहाँ कुछ लोग पूरी उम्र अपनी मजबूरियों और कमजोरियों का रोना लेकर बैठे रहते हैं, तो वहीं इसी दुनिया में ऐसे जिंदा दिल लोगों की भी कोई कमी नहीं जो हर मुसीबत हर परेशानी का मुकाबला डटकर करते हैं। ऐसे ही कमाल के इंसान है डैनियल किश, जो तब सिर्फ 13 महीने के थे जब आई कैंसर के चलते डॉक्टर्स को उनकी आंखें निकालनी पड़ी। उनकी माँ को चिंता थी कि बिना आंखों वाला डैनियल अपनी पूरी उम्र कैसे गुजारेगा, लेकिन दिमाग से तेज डैनियल ने इसकी भी तरकीब निकाल ली और सालों की लगातार प्रैक्टिस के दम पर इकोलोकेशन नाम की इस सुपर पावर में महारत हासिल कर ली। दोस्तों, डैनियल आंखों से भले ही ना देख पाते हो लेकिन वो अपने मुंह से कुछ ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं आसपास की ऑब्जेक्ट से टकराकर। यही साउंड्स उन्हें ये अंदाजा लगाने में मदद करती हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स उनसे कितनी दूर है, या फिर वो कितनी बड़ी है, या फिर उनकी पोजीशन क्या है। कुदरत में चमगादड़ भी इकोलोकेशन की इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और बात करें डैनियल की तो वो आंखें ना होते हुए भी साइकिल चलाते हैं और 40 से ज्यादा देश भी घूम चुके हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन कमांडोज घने जंगलों में ट्रेनिंग और सीक्रेट मिशंस के दौरान अपनी सर्वाइवल किट में तेंदुए का पेशाब भी रखते हैं? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों करते होंगे? अगर नहीं तो मैं ही बता दूं। दरअसल इन कमांडोज का जंगल में बाघ, लकड़बग्घे और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से अक्सर सामना होता रहता है। इन जानवरों को जैसे ही तेंदुए के पेशाब की महक आती है ये उस इलाके से निकल जाते हैं, और इस तरह आर्मी कमांडोज को इनसे निपटना नहीं पड़ता। इसके अलावा दुश्मन के इलाके में तेंदुए के पेशाब को ये कमांडोज अपने शरीर पर इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि दुश्मन के कुत्ते इंसानी गंध मिलने ही भौंकने लगते हैं,
जबकि अगर उसे तेंदुए की महक आएगी तो वो पहरेदारी तो छोड़िए दुम दबाकर कहां छिप जाएगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने फिल्मों में शातिर से शातिर चोर देखे होंगे जो चोरी करने की ऐसी ऐसी तिगड़में लगाते हैं कि दिमाग चकरा जाए, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसे तेज दिमाग चोरों की कोई कमी नहीं। 10 दिसंबर 1968 के दिन टोक्यो जापान के निपॉन ट्रस्ट बैंक के 4 इम्प्लॉयज जब बैंक की कैश वैन में 294 मिलियन येन यानी कि उस समय के हिसाब से 8 लाख US डॉलर्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तभी रास्ते में एक पुलिस वाले ने उनकी कार को रोका और उन्हें ये बताया कि उनकी गाड़ी में बॉम्ब है। बॉम्ब का नाम सुनते ही सभी इम्प्लॉयज गाड़ी छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस वाला गाड़ी में सवार होकर वहां से रफू चक्कर हो गया। इसके बाद जब बैंक ने पुलिस वाले की इस हरकत की कंप्लेन की तो पता चला कि उस इलाके में उस दिन कोई पुलिस वाला तैनात ही नहीं था। असल में वो कोई शातिर चोर था जो पुलिस यूनिफॉर्म में बैंक को 300 मिलियन येन का चूना लगा गया। दोस्तों बता दूं कि इस चोर का कभी पता नहीं चल पाया और 300 मिलियन येन रॉबरी के नाम का ये केस आज तक सॉल्व नहीं हो सका है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, स्टील और कंक्रीट के आविष्कार से पहले आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के पास बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर पत्थर और ईंटें ही हुआ करती थी। ये मटेरियल्स मजबूत और लॉन्ग लाइफ तो थे, लेकिन इनसे बड़े बड़े ब्रिजेस जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में ईंटों पत्थरों से बना दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो आज भी मजबूती से खड़ा है वो है सैक्सोनी जर्मनी में बना गोल्च वायडक्ट ब्रिज, जिसे 1846 में सैक्सन बवेरियन रेलवे की कंस्ट्रक्शन के दौरान बनाया गया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल की कंस्ट्रक्शन में 26 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ था और ये अपने समय का सबसे ऊंचा ब्रिज भी था। गोल्च नदी की घाटी पर बना ये ब्रिज आज भले ही सबसे ऊंचा ना रहा हो, लेकिन खूबसूरत आर्किटेक्चर वाला ये पुल आज भी ईंटों से बना दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि ओलंपिक्स जैसे इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अक्सर अपने मेडल्स मुंह में डालकर बाइट करते हैं जैसे वो कोई चॉकलेट हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? अगर नहीं तो बता दो कि पहलो पहल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल खालिस सोने का मिलता था और जैसा कि आप भी जानते ही होंगे कि सोना एक सॉफ्ट मेटल होता है और उसमें दांत गड़ाने पर उस पर निशान बन जाते हैं। तब के खिलाड़ी इस सिंपल से टेस्ट से ये परखते थे कि मेडल असली है या नहीं। अब भले ही गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड का नहीं होता, लेकिन समय के साथ ही ये जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए एक ट्रेडिशन बन गया और वैसे भी फोटोग्राफी के लिए ये एक कमाल का पोज है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने भी बाइक्स के शॉकर्स के पास इस छोटी डिब्बी को लगे देखा होगा, लेकिन क्या आप में से कोई जानता है कि इस डिब्बी का क्या काम होता है और ये वहां क्यों लगी होती है? अगर नहीं तो बता दूं कि इस छोटे से बॉक्स में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भरी होती है और ऐसे सिलेंडर वाले शॉकर्स को नाइट्रस सस्पेंशन कहते हैं। दरअसल लॉन्ग डिस्टेंस पर जब बाइक्स को चलाया जाता है तब इन शॉक एब्जॉर्बर्स का बिहेवियर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि हाई टेम्परेचर में एयर एक्सपेंड होती है। लेकिन वही बात करें नाइट्रोजन गैस की तो ये टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपेंड नहीं करती और इस तरह शॉक एब्जॉर्बर्स की इनिशियल सेटिंग को बरकरार रखने में ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। तो अब समझे कि शॉक एब्जॉर्बर्स के पास ये सिलेंडर किस लिए होता है। फैक्ट नंबर 2। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, ये कहावत तो दोस्तों आपने भी सुनी होगी, लेकिन असल दुनिया में शेर घास भी खाता है। हाँ, रोज नहीं, लेकिन जब कभी शेर के पेट में कुछ गड़बड़ होती है तो वो घास खाता है और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उसके पेट में इरिटेशन हो और वो उल्टी मार दे। इसका कारण ये होता है कि शेर का डाइजेस्टिव सिस्टम घास में मौजूद सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता और इसी वजह से वो सब उगल देता है। और सिर्फ शेर ही नहीं, कुत्ते और बिल्लियों को भी जब कभी पेट में दिक्कत होती है तो वो भी कुछ इसी तरह की तिगड़म लगाकर अपना इलाज करती हैं। नुस्खा देसी जरूर है, लेकिन है काम का। और दोस्तों बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है फैक्ट नंबर 1 यानी कि आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है वत्सल पाठक जी ने। वत्सल अपने फैक्ट में बताते हैं कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी इंडिया की इकलौती ऐसी नदी है जो अपने उद्गम में तो मीठे पानी वाली है, लेकिन वही मुहाने तक पहुंचते पहुंचते खारी यानी कि नमकीन हो जाती है। जी हाँ, अरावली पहाड़ों की पुष्कर रेंज में ओरिजिनेट होने वाली लूनी नदी थार रेगिस्तान से होते हुए रन ऑफ कच्छ के दलदल वाले इलाके में खत्म होती है। शुरुआत के 100 किलोमीटर में तो इस नदी का पानी ताजा यानी कि मीठा है,
लेकिन आगे बाड़मेर के बलोतरा में मिट्टी में हाई सॉल्ट कंटेंट के चलते इस नदी का पानी भी नमकीन हो जाता है और ऐसा ही रहता है। खारे पानी के बावजूद यह नदी राजस्थान के सूखे इलाकों में इरिगेशन का एक मेजर सोर्स है और फैक्टिफाइड हिंदी सोर्स है ऐसी ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन का। तो हमारे एपिसोड्स मिस न करें और कमेंट करें कुछ ऐसा जो कर दे हम सभी को फैक्टिफाइड। मिलेंगे अब अगले हफ्ते ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और आज की ये वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।